टेम्पलेट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये सीखना जरूरी है इसे यूज कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों बिना सीखे आप एडुकेशनल वीडियो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप पहले सीखिए कि आप इस टेम्पलेट को कैसे यूज करेंगे और कैसे आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप इसे सीख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों लिंक दिया गया है, आप वहां जाइए और क्लिक करके इस फ्री टेम्पलेट को डाउनलोड कीजिए और अपने एडुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाना शुरू कीजिए। दोस्तों ये जो आप फोल्डर देख रहे हैं और इसके अंदर जितने भी टेम्पलेट है, ये सारे टेम्पलेट दोस्तों मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला टेम्पलेट क्या है उसे हम ओपन करते हैं, ठीक है। पहला टेम्पलेट दोस्तों ये है फ्री एनिमेटेड जीके टेम्पलेट, ठीक है। ये दोस्तों कुछ इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों इस टेम्पलेट की मदद से आप दो तरह के वीडियो बना सकते हैं, एक वन लाइनर जीके वीडियो बना सकते हैं और दूसरा दोस्तों आप एमसीक्यूज वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि मुझे एमसीक्यूज वीडियो बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? वन लाइनर जीके वीडियो बनाना तो दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ आप प्रश्न टाइप करेंगे और यहाँ आप आंसर टाइप करेंगे और इस तरह से आपका जो है वन लाइनर जीके वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों मान लिया जाए कि आप वन लाइनर जीके वीडियो नहीं बनाना है, आपको एमसीक्यूज पढ़ाना है, तो दोस्तों आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप सबसे पहले तो ये वाला स्लाइड ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको वापस से न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप ए बी सी डी कोई भी एक स्लाइड ले लीजिए, ठीक है। कोई भी एक स्लाइड ले लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ प्रश्न टाइप करेंगे, यहाँ दोस्तों आप सभी ऑप्शन टाइप करेंगे। तो पहले मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ, फिर दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आप प्रश्न और ऑप्शन टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको ये देखना है कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। तो दोस्तों ए आंसर तभी सही बताएगा जब आप लेआउट में जाकर के ए स्लाइड अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ए अप्लाई कर देंगे। अगर मान लिया जाए कि बी ऑप्शन सही है तो आपको क्या करना होगा, लेआउट में जाकर के आपको बी लेआउट अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको लेआउट का विशेष ध्यान रखना है, तभी दोस्तों इसमें जो है सही आंसर यहाँ पे शो होंगे। ओके ओके, तो इस तरह से दोस्तों एक प्रश्न के लिए एक स्लाइड बना लेना है। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट स्लाइड ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वाला स्लाइड ऐड कर लेना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कोई भी एक स्लाइड ले लेना है और वापस जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से आप यहाँ पे प्रश्न टाइप करेंगे, ऑप्शन टाइप करेंगे और इसका आंसर जो भी होगा, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ लेआउट में जा करके वो चीजें अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी बन जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे OBS की मदद से रिकॉर्ड कर लेने हैं, यानी कि OBS की मदद से दोस्तों इसे एज ए MP4 वीडियो में रिकॉर्ड कर लेने हैं। रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों ये आपका एडुकेशनल वीडियो बन जाएगा और इसे आप YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि इसमें और कोई दूसरा डिजाइन ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये अगला प्रश्न के लिए यहाँ पे कुछ अलग तरीके का स्लाइड हमने बनाया है लेकिन आपको ये डिजाइन नहीं चाहिए, यहाँ पे इसके जगह पे कोई और डिजाइन ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे कि ये हमारा प्रश्न वाला स्लाइड आ गया, अब इसके नीचे हमें कुछ इस तरह का स्लाइड ऐड करना है तो ये हम कैसे करेंगे, और वो भी दूसरा डिजाइन ऐड करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रियूज स्लाइड, ठीक है। रियूज स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, ब्राउज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप उस फोल्डर में जाएंगे जो दोस्तों आपने फ्री में डाउनलोड किया है, ठीक, उस फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मान लिया जाए कि इसमें जो हमने लेट्स स्टार्ट वाला स्लाइड बनाया है, ठीक है, जैसे ये वाला है, तो ये दोस्तों मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। अब देखिए पहले हमारा ये डिजाइन, ठीक है, पहले हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरह से था, अब दोस्तों हमने इसमें कुछ इस तरह का डिजाइन ऐड कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप दूसरा डिजाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दूसरा जो है स्लाइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका ये वीडियो बनेगा तो ये कैसा बनेगा, चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये दोस्तों ये कुछ इस तरह से बनेगा, पहले इस तरह से यहाँ पे आएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्रश्न आएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन आएंगे, इसे आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इस तरह का टाइमर चलेगा, ठीक है। और जैसे दोस्तों यहाँ पे टाइमर एंड होगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ये स्लाइड चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा, ठीक है, ये देखिए
ये कुछ इस तरह से आएगा और फिर दोस्तों आपका स्लाइड आएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहें या पहले आपने अगर मेरा कोई टेम्पलेट खरीदा है तो उसमें दोस्तों अगर आपको बीच बीच में तो इस तरह का स्लाइड यूज करना है अगला प्रश्न या लेट्स स्टार्ट वाला, तो दोस्तों आप इसे कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने ये वाला स्लाइड ऐड किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितना भी स्लाइड मैंने आपको दिया है सभी को दोस्तों यूज करने का तरीका सेम है। ठीक है, इसमें एक और स्लाइड है कुछ इस तरह का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस तरह का है, इसमें दोस्तों आप यहाँ पे प्रश्न टाइप करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन टाइप करेंगे और ये आपका स्लाइड बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग टाइप करके देख लेते हैं। जैसा दोस्तों मैं कर रहा हूं सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको भी करना है। कंट्रोल भी दबा करके दोस्तों आपको पेस्ट नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूं सेम इसी तरह से आपको करना है। यानी कि आपको यहां से जो है चीजों को पेस्ट करना है, यहां आप क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तों आप ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके इसे पेस्ट करेंगे, तभी दोस्तों ये कलर आपका यहां आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर डी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर बताने के लिए यहाँ लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों डी लेआउट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। चलिए इसे दोस्तों हम लोग यहाँ से प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से प्रश्न आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा और फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइमर चलेगा और टाइमर एंड होने के बाद दोस्तों जो सही आंसर होगा वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीजें बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वाली स्लाइड नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वाला स्लाइड नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अलग से बना के दिया है, तो उसे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि आपको न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और रियूज स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप इस स्लाइड को ब्राउज करेंगे। ठीक है, ब्राउज में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों उस फोल्डर में जाएंगे जो आपने डाउनलोड किया है और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन या लेट्स स्टार्ट क्विज वाला स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप पीपीटी बना सकते हैं और पीपीटी बनाने के बाद दोस्तों आप वापस से इसे प्ले करेंगे और इसे दोस्तों किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड करके एक बहुत ही खूबसूरत सा एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है प्रश्न आता है, ऑप्शन आता है और उसके बाद यहाँ पे टाइमर आता है और फिर जो सही आंसर होता है ये कुछ इस तरह से आता है। फिर जैसे दोस्तों आप स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, माउस से जैसे आप स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन वाला स्लाइड आएगा और फिर दोस्तों ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छा और खूबसूरत एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। टेम्पलेट दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। चलिए ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो के लिए आपको टेम्पलेट बना के दिया है। ठीक है, तो आप इसे भी दोस्तों यूज कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों सेम वही चीजें करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रश्न टाइप करना है, यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन टाइप करना है और इस तरह से ये सारी चीजें करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्लाइड शो करके यहाँ पे प्ले करना है और इसे रिकॉर्ड कर लेना है। या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों क्रिएट ए वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको जो है वीडियो बना लेनी है। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो दोस्तों बनाना बहुत आसान है। इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाए ये वाला ट्यूटोरियल देख करके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। काफ़ी लोग दोस्तों हमसे शिकायत करते हैं कि आपका टेम्पलेट जो है बहुत स्लो काम करता है, सही से प्ले नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों समस्या कहाँ आता है, समस्या दोस्तों तब आता है जब आप एमएस ऑफिस का जो वर्जन होता है, जब आपका एमएस ऑफिस 2016 से नीचे वाला वर्जन होता है, जैसे कि एमएस ऑफिस 2007 या 2010 या 2013 जब आप यूज करते हैं तो दोस्तों ये टेम्पलेट सही से काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने लैपटॉप या पीसी में 2016 या 2021 या उससे कोई लेटेस्ट यानी कि एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर रखे तो दोस्तों को यूज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप बहुत ही अच्छे से मेरा सभी टेम्पलेट यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर हम लेटेस्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों इस पे भी मैंने वीडियो बना दिए है। ठीक है,
होगा तो लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। तो दोस्तों आप वहां से वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं कि लेटेस्ट पावर पॉइंट, लेटेस्ट एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो भी चीज़ें मैं बनाता हूँ और जो भी चीज़ें मैं क्रिएट करता हूँ, ये सभी चीज़ें दोस्तों मैं लेटेस्ट वाले वर्जन में ही बनाता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो पुराने वर्जन है उसमें उतने फीचर नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं है, इसलिए उसमें इस तरह का टेम्पलेट बनाना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं दोस्तों, उसमें बन ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो सारी फीचर है ही नहीं। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक पुराना वर्जन चला रहे तो दोस्तों आप नया वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए और फिर दोस्तों आप मेरा टेम्पलेट यूज कीजिए, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।